जैसे आप लोगों ने देखा कि नमक दिया ही है और देखिए इधर दाल और देखिए प्याज लहसुन अदरक इसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगी। पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं और उसके बाद भिंडी की सब्जी चावल पूरी ये सब भी बनाना है अभी और मटर पनीर बनाऊंगी मैं। इसमें देखिए ग्रीन मटर यूज करूंगी तो बने रही बनाऊंगी और चलिए दिखाते हैं नंदी क्या कर रही हैं। जय सो रहे हैं। देखिए हमारे नाना जी को बिटिया रानी मेहंदी लगा रही हैं और बहुत सुंदर लगाई है। सीधा करिएगा जी ये वाला भी। देखिए एक हाथ में लग गई है ये देखिए दूसरे हाथ की मेहंदी खुद लगाई है और ये सौम्य बाबू लगाई है और इसमें सीधा दिखाएगा पिंकी दीदी और ये पिंकी दीदी खुद लगाया है और ये देखिए समय बाबू लगा रही बहुत सुंदर मेहंदी। अभी ये लोग मेरी भी मेहंदी लगाएंगे तो खाना वाना बन जाएगा तब और पिंकी दीदी बहुत प्रसन्न हो रही है मेहंदी लगवा के। जीजा जी रेस्ट कर रहे हैं अपने छोटे सारे साथ वीडियो कॉल। रेठिल बाबू हंस रही हैं बैठी हुई है। शानवी इधर देखो और शानवी पढ़ाई कर रही है बोर्ड पे प्लस माइनस। बोलो कैसे हैं आप सब। शिवाय शर्मा गया बात करते करते आ गए हम फिर से किचन में और अब दाल लगभग हो चुका है और ये पनीर की सब्जी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ अभी। ओके पनीर के लिए ये प्याज भून गया है अच्छे से। अब इसमें हम अपना ये ग्रेवी का पेस्ट डालेंगे लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं जिसमें हमें डाल दिया है प्याज हमारे लिए और हल्दी डालेंगे अभी हल्दी पेस्ट पकता है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट डाल दिया हमने हल्दी डाली है और हल्दी पक गया और इसी समय हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल दिखी नहीं होती हमारा कलर बहुत सुंदर आता है कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए एक बार सत्या में सुखना से बता देते हैं और अब सबको आपस में मिक्स कर देते हैं और अभी दिखाते हैं आपको भूनने के बाद दाल हमारा हो चुका है। टाटा संपन्न का मसाला है ये और ये मसाला मैं डालूंगी इसमें। कौन चला रहा है महाकाल सिंह चला रहे हैं चार सौ ग्राम पनीर है मटर का कम है हमें इसको सूख लगाऊंगी लगूंगी। देखिए इधर पनीर बन गया है और दाल तो पहले ही बन चुकी थी। अब मैं चावल और रोटी बनाऊंगी और भिंडी की भुजिया भी बनानी है मुझे फिर और सब काम करूंगी। और जीजा जी ने चाय पीने की फरमाइश की है तो ये चाय बन रही है रात के खाने के साथ और ये है अदरक जो मैंने कूट के रखा था मैं डाल दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। ये बन गई है पनीर की सब्जी मैंने बना लिया है और अब मैं काटने जा रही हूँ भिंडी।
ये काटने के बाद भिंडी, फिर मिलती हूँ आप सबसे। देखिए कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए और गर्म हो रहा है, और हम इसमें गर्म होने के बाद डालेंगे लहसुन मिर्ची का पूरा लेंगे और कटी हुई भिंडी डालेंगे। थोड़ी सी भूनेंगे अच्छी सी और भूनने के बाद भिंडी डालेंगे। देखिए भिंडी डाल दिया मैंने और इसे चला देती हूँ, और चलाने के बाद इसको रख के थोड़ी देर बनाएंगे। और अभी आटा पानी खत्म हो गया है और इसे रोटी करनी है, और अब मैं आटा पीसने जा रही हूँ। तीखा हेलो शानवी, देखो सौम्या दीदी के खाना, और ये तीनों बहन एक साथ बैठ के खाना खा रही हैं। इनका ख़त्म ही होने वाला है, इनका इनका भी और शानवी का शुरू होने वाला है। और सिवाय बाजी के साथ खाना खा रहे हैं, क्या हम सब देखेंगे शानवी। चेहरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं।